सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। जी हां, आपको बता दूं सबसे बड़ी खबर बिना आपका वक्त जाया किए हुए, अब यूक्रेन की इतनी हिम्मत हो गई है अमरीकी हथियारों और वेस्ट के हथियारों के द्वारा कि अब उसने रूस के अंदर अपनी रॉकेटों को दाग दिया है। जी हां, अभी तक सिर्फ रूस यूक्रेन के अंदर घुस के दनादन हमले कर रहा था और यूक्रेन की मिलिट्री को तबाह कर रहा था। ऐसे में अब यूक्रेन की सेना ने बॉर्डर क्रॉस करते हुए रूस की एक ऐसी जगह को निशाना बनाया जहां पर रूस के सैनिक मौजूद थे और मिसाइल रॉकेट यानी हथियारों का भंडार मौजूद था। बताया जा रहा है ये शहर बेलग्रोड है, बेलग्रोड का ये शहर रूस के अंदर है, बॉर्डर के पार है, यानी बॉर्डर के इस तरफ यूक्रेन और बॉर्डर पार करते जो पहला शहर है बेलग्रोड, वो रूस का शहर है। उस इलाके में, उस शहर पर यूक्रेन ने मिसाइलों की बारिश कर डाली जिसके बाद तबाही के मंजर दुनिया के सामने आए हैं। ये रूस के लिए अब तक का सबसे खतरनाक यूक्रेन का झापड़ है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद ये बात साबित हो गई है, रूस भले ही ये जता ना रहा हो लेकिन काफ़ी बड़े नुकसान रूस को झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन ये बात भी क्लियर है कि रूस जब एक छोटा सा झटका खाता है तो उससे बड़े बड़े झटके यूक्रेन को देता है। अब यूक्रेन ने ऐसा कांड कर तो दिया है लेकिन इसकी जवाबी कार्रवाई में अब क्या होगा, अब ये या तो रूस जाने या ऊपर वाला। दोस्तों, कल की रिपोर्ट के मुताबिक आपको मैंने ये अपडेट दिया था कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है कि दो जगह पर, कीव में और चेर्निव में, इन दोनों जगह पर हमले बंद करेंगे और सेना को पीछे घसीट लेंगे, अपनी सेना को पीछे कर लेंगे। अब रिपोर्ट के अनुसार बात यह सामने आई है कि यूक्रेन के कमांडर ने कहा है कि इन दोनों जगहों पर कोई भी सेना में कमी नहीं करी है रूस ने, ना वो पीछे हटे हैं। हाँ, अमरीकी रिपोर्ट इसके बाद आई है जिसमें यह जिक्र किया गया है, बताया गया है कि उन्होंने यानी रूस ने सेना की अदली बदली तो करी है, यानी कुल मिला के जो रूस ने वादा किया था वो नहीं हुआ है, एक बंदे को भेजा दूसरे को बुला लिया, इस तरह से सेना की अदला बदली करी गई है। इसके अलावा जो अमेरिका ने रिपोर्ट जारी करी उसमें बताया है कि सेना कम करना तो दूर की बात, इवन वहां पर सैनिकों को बढ़ा रहा है रूस। इसी के साथ पुतिन को एक और तगड़ा झटका, उनकी खास शूटर, जी हाँ, ये उस महिला की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो नन थी, पहले नन थी रूस में, फिर ये स्नाइपर बन गई जिन्होंने 40, जी हाँ, 40 यूक्रेनियों को निशाना बनाकर कत्ल किया। जब ये घायल हो गई यूक्रेन की जंग में तो रूस की सेना जो है इनको वहीं छोड़कर चली गई। जब रूस की सेना इनको वहीं छोड़कर चली गई तो यूक्रेन की आर्मी ने इनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। ये भी एक पुतिन के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। अगर यूक्रेन के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया गया और वार क्राइम की अगर जांच शुरू हो गई तो यह महिला बहुत बड़ा सबूत हो सकती है यूक्रेन के लिए। दोस्तों, इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, रूस के खिलाफ, बाइडन ने बयान देते हुए कहा था कि हम पोलैंड के अंदर यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग देंगे। अब वो बात सच साबित हो गई है, किलर मिसाइलें चलाने की ट्रेनिंग पोलैंड में यूक्रेन की सेना को देना अमेरिका ने शुरू कर दिया है। अब अमेरिकी सेना पोलैंड पहुंच गई है और पोलैंड में यूक्रेन के सैनिकों को बुला लिया है। अब वहां पर अमेरिकी हथियारों को चलाना और किलर मिसाइलों को चलाना सिखाया जा रहा है यूक्रेन की मिलिट्री को और वापस उनको यूक्रेन में भेजा जा रहा है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए, रूस के खिलाफ। तो अब रूस की बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं और कहा जा रहा है कि रूस का काफ़ी बड़ा नुकसान अब ये जो सेना ट्रेनिंग लेके आएगी, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान रूस को इनके द्वारा झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, यूक्रेन पर परमाणु हमले का अंदेशा बढ़ चुका है। कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमला
व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया जा सकता है और ऐसा क्यों कैसे हो सकता है, पहले बात समझ लीजिए। पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियार और परमाणु सबमरीन युद्धपोत तैनात किए हुए यूक्रेन के खिलाफ, और अमेरिका धमकी भी दे चुका है कि अगर केमिकल और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो हम रूस को नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद केमिकल हथियार का इस्तेमाल तो रूस कर ही रहा है, अब बचा सिर्फ एक ही हथियार है, वो है परमाणु। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला और ये कैसे साबित हो सकता है कि ये हमला अब आने वाले कुछ समय में परमाणु हमला रूस कर सकता है, तो आपको बता दूं सबसे बड़ी खबर कि व्लादिमीर पुतिन और देश के बड़े बड़े अधिकारी बेसमेंट में यानी बंकर में जा चुके हैं और कहा ये जा रहा है कि ये तैयारी हो रही है परमाणु हमले की। अब आप कहेंगे कि ये बंकर जो है भाई साहब, बंकर में तो कोई भी आ सकता, हो सकता है उनके ऊपर, नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक बंकर अलग चीज होती है, एटॉमिक बंकर बहुत ही अलग ही चीज होती है, उसके अंदर व्लादिमीर पुतिन और बड़े बड़े सैन्य अधिकारी पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि यूक्रेन की औकात तो इतनी है नहीं क्योंकि रूस काफी बड़ा है, अगर व्लादिमीर पुतिन को पीछे हटना हो तो वो रूस में कहीं भी जा सकते हैं, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। यूक्रेन अगर अंदर घुस के हमला कर देगा या अंदर रॉकेट मार देगा तो ये बात क्लियर है कि उसको यानी व्लादिमीर पुतिन को पूरा मौका मिल जाएगा कि अब एक झटके में पूरे यूक्रेन का सफाया कर दें, लेकिन ऐसा काम यूक्रेन नहीं करेगा। और इस बात से साबित हो गया कि व्लादिमीर पुतिन जब ये बंकर के अंदर गए हैं तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों इसी के साथ रूस कीव को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब एक अपार्टमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर यह अपार्टमेंट देखिए, ये अपार्टमेंट बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा था जिसमें हजारों लोग रहा करते थे। इस अपार्टमेंट की हालत आप देख लीजिए, सिर्फ ये कीव के इलाके का एक अपार्टमेंट है, ऐसे लाखों अपार्टमेंट हैं जो पूरी तरह से रूस ने अपने गुस्से के आगे तबाह कर दिए। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि अब यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया है कि उसने 17,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों का खात्मा कर दिया है। अगर ये बात सच है, अगर ये डेटा यूक्रेन का सच है तो फिर ये बात क्लियर कट साबित है कि रूस भी अब पीछे नहीं हटेगा, बदला तो लेकर रहेगा। रूस पर सारी दुनिया ने ऑलरेडी इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं कि शायद आप नहीं समझ पाएंगे। सीधी बात कहूं तो अब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पर पाबंदी लगी है वो रशिया है। अब आपको बता दूं कि सबसे बड़ा झटका रूस को लगाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। जी हाँ, अब आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की नॉर्वे के पार्लियामेंट पहुंचे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, और उन्होंने नॉर्वे के पार्लियामेंट से गुजारिश करी कि और भी ज्यादा पाबंदियां लगाएं। मतलब इनकी चालाकी समझ लिए, सारी दुनिया हाथ पैर, जैसे गली में लड़ाई होती है ना तो बड़े बड़े कुछ गुंडे होते हैं वो आके एक ताकतवर को हाथ पैर से ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर छोटा सा एक फुद्दू सा बच्चा होता है जिसमें कोई दम नहीं होता है वो उछल उछल के थप्पड़ मारता है। तो वो जो यूक्रेन है वो यही करना चाह रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें रूस का हाथ पैर ऐसे बांध लें और मैं दनादन मारता रहूं, और बाद में हो जाए कि देखो छोटे से देश ने रूस को हरा दिया। अब आपको बता दूं पूरी दुनिया ने अपनी ताकत रूस के खिलाफ लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद रूस अगर डटा हुआ है तो इस वजह से नहीं कि वो बहुत बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है। अरे भाई ये सोचो कि दुनिया के बड़े से बड़े देश, ब्रिटेन ने अपने सारे हथियारों के खजाने खाली कर दिए, फ्रांस ने अपने हथियारों का जखीरा खाली कर दिया, अरे कनाडा तो अपने 90% हथियार यूक्रेन को दे चुका, अमरीका अपने खतरनाक से खतरनाक किलर मिजाइलें किसको दे चुका, यूक्रेन को दे चुका। इन सभी देशों के बड़े बड़े हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, उसके बावजूद रूस टिका हुआ है। तो भाई साहब ये यूक्रेन वर्सेस रूस नहीं, रशिया वर्सेस वर्ल्ड है। दोस्तों आपको अब ये तस्वीर देखनी चाहिए, ये रूस के आम नागरिकों का घर है, रेजिडेंटल एरिया है। आपको बता दूं कि पूरा यूक्रेन इसी हालत में है, जंग से किसी को कोई फायदा नहीं होता, जंग से चाहे कोई भी निकले, चाहे रूस जीते चाहे यूक्रेन, नुकसान रूस को भी होगा यूक्रेन को भी होगा। सबसे बड़ा नुकसान आम जनता झेलती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ आम इंसान को होती है। अब आप देख लीजिए कितनों के घर उजड़ गए, कितनों की लाशें ज़मीन पर बिछ गई, कितनी महिलाएं बेवा हो गईं, कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, कितने लोगों ने अपना वतन छोड़ दिया।
खैर, रूस का गुस्सा, यूक्रेन की तबाही। दोस्तों ज़ेलेंस्की को आप जानते हैं, ये कौन है? ये ज़ेलेंस्की, पहली बात तो जानते हैं, इतना तो मालूम है आपको, प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, लेकिन ये यहूदी हैं। अब इनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, खासकर जो इसराइल है वो भी खुलकर फुदक कर सामने नहीं आ रहा है, अंदर से पूरा सपोर्ट कर रहा है लेकिन सामने से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की ने वही काम किया जो बीजेपी करती है, धर्म का इस्तेमाल। तो इसने, यानी ज़ेलेंस्की ने, इसराइल के लॉ मेकर से रिक्वेस्ट की और कहा कि हमारे देश में, यूक्रेन में जो यहूदियों का मज़ार है, यहूदियों का प्रार्थना स्थल है, उस पर रूस ने हमला किया, तो कृपया करके आप कुछ करें। इससे पहले इसराइल कुछ बोलता, हालांकि बोलता नहीं, वो ऐसे लीपा पोती करता, उससे पहले रूस ने क्लियर कट बात कह दी है कि यूक्रेन दुनिया को भड़काने की कोशिश कर रहा है, हमने ऐसे किसी यहूदी की जगह पर, धार्मिक स्थल पर हमने अटैक नहीं किया है। इसी के साथ रूस ने अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए रूस की सरकारी एजेंसियों से कह दिया है और ये कानून लागू कर दिया कि आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और बाहर के देशों के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों इसराइल के पेगासस के बारे में। तो अच्छा डिसीजन रूस की तरफ से। तो इसी के साथ दोस्तों आखिर में एक बार फिर ताज़ा तस्वीरें मैं दिखाऊंगा मारियोपोल की आपकी स्क्रीन पर। अब ये ड्रोन फुटेज जो आप देख रहे हैं खौफनाक, ये मारियोपोल की है। घर तबाह हो चुके हैं, मिसाइलों ने, रूस की मिसाइलों ने बड़े बड़े स्टेडियम को, सिनेमाघरों को, बड़े बड़े बंगलों को तबाह कर दिया है। बिल्डिंग कितनी भी मजबूत हो, रूस की मिसाइलों ने सारे घरों को जला दिया है, जलाकर राख कर दिया है। दोस्तों ये दूर से जो फुटेज आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये सब ठीक ठाक हैं, बचे होंगे कुछ नहीं, जलकर राख हो चुके हैं, अंदर से तबाह हो चुके हैं। ये ऐसा मंजर है जो शायद अगर आप सामने से देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि रूस से पंगा लेने वाला खुद सबसे पहले यूक्रेन था। अब यूक्रेन का रूस से टकराना किस पर भारी पड़ रहा है, आप इस तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब आपको ये दिखाऊंगा बिफोर और आफ्टर, यानी रूस के हमले से पहले मारियोपोल क्या था और रूस के हमले के बाद यूक्रेन क्या है। आपकी स्क्रीन पर ये आप देख रहे हैं, जो अभी स्क्रीन पर है ये पहले था, उसके बाद क्या हाल हुआ है ये देख लीजिए, फर्क साफ साफ नज़र आ गया है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। हर अपडेट जानने के लिए रजा ग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दुनिया की, भारत से लेकर दुनिया की हर बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी, जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है किसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।